करनाल के गांव कुटेल में एक मानसिक तौर पर बीमार नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपों की माने तो लड़की जब अपने घर से कूड़ा डालने के लिए कुछ दूरी पर गई तो गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। वही खेत में काम करने वाली एक महिला ने जब ये देखा तो उसने लड़की को बचाने का कार्य किया। उसने आसपास के लोगों को बुलाया, जिसके बाद उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में धुत था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इधर अब युवती का मेडिकल करवाया जाएगा। वहीं पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़की के साथ में जी मेरे परिवार की लड़की है, तो कणक है जी, कणक वहां से बिल्कुल टूटी पड़ी है। कणक जो ने जबरदस्ती करी लड़की को, गिरी लड़की, फिर उठाया, फिर पकड़ा। मैं कम से कम ये कहूंगा जी, उसको ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। तो नशे में था वो? नशे में कहीं हुआ क्या हो गया सर, ये उसके किसी को भी लड़की को मतलब आत्मा देता है। तो पुलिस को बुलाया आपने? पुलिस को बुलाया जी, पुलिस उसको उठा के लेगी जी, यहाँ पे बांध रखे था उसको लेगी। क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? हम तो पूरी ये चाहेंगे उसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा सजा हो सर। तो बिल्कुल खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो। मेरे तो अनुमान में फांसी दे के मार दो, ताकि हाँ गलत है, ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा गलत है। वैसे भी मानसिक तौर से इतनी कमजोर है लड़की। तो लड़का नशे में रहता था जी? हाँ नशे में ही था लड़का, पहले भी उसके उसने की कईयों के साथ ऐसे कर दिया, फिर भी सोचा मारपीट करके भाई ठीक हो जाए ठीक हो जाए। तो मैं तो यही कहूँ ऐसे जो होने तो फांसी की सजा दे। हाँ की थी, लेकिन वो शुक्र है कोई लेडीज टाइम पे पहुँच गई तो उसने बचा लिया। पकड़ दिया था उसको आपने लोगों ने? हाँ वो पकड़ लिया था फिर उसको। इस ना एक लड़का की नाबालिग लड़की को लेकर के है ना खेत के अंदर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमें सूचना मिली हम तुरंत वहाँ पे पहुंचे जी, है नजदीक वाली पीछा से पहले पीछा को भेजा, तो बाद में मौके पर गया और लड़की नाबालिग है और मुलजिम को हमने इसमें पकड़ के ले आए हैं थाने के अंदर। अब इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी मुलजिम का नशे में ऐसे लिए। हाँ इसने शराब पी हुई है। तो लोग बता रहे थे पहले भी इसने एक दो बार ऐसा किया लड़की के साथ? उनसे मैंने पूछा था इसने पहले भी ऐसा किया था, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दी? बोला जी हम दर बिल्कुल करते रहे, विचल काम की बात है जी। तो सर जानकारी पॉक्सो एक्ट लगेगा और 376 511। आरोपी की उम्र कितनी है? इसकी उम्र है 35 से 36 साल की है। तो शादीशुदा है ये जी? है इसके बारे में पता नहीं है। तो मेडिकल कराया जाएगा? मेडिकल भी कराया जाएगा, सारी कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।